दिन के 2 बज रहे हैं और वोटों की गिनती चल रही है इस वक्त लोकसभा चुनावों के। अब तक जो नतीजे हासिल हुए या जानकारियां जो हासिल हुई हैं, जो रुझान हासिल हुए हैं, उनके मुताबिक इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए 261 सीटों पर इंडिया गठबंधन आ गया, वहीं पर एनडीए गठबंधन 260 सीटों पर आगे चल रहा है। जो बड़ी चीज़ें हैं इस अभी तक के जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ रहे हैं, पीछे हैं। जो मतों की गिनती चल रही है उनमें स्मृति ईरानी अमेठी से तकरीबन 1,00,000 वोटों से पीछे हैं, मेनका गांधी वो पीछे चल रही हैं, अजय मिश्रा टेनी जिसके बेटे ने और MOSI है, मोदी की सरकार में मिनिस्टर है, गृह मंत्रालय में डिप्टी मिनिस्टर हैं। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी की सीट से पीछे चल रहे हैं। नपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के चीफ सेक्रेटरी, उनका बेटा 40,000 वोटों से पीछे चल रहा है। यह बहुत बड़ी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है कि प्रधानमंत्री के चीफ सेक्रेटरी का बेटा पीछे चल रहा है। फैजाबाद अयोध्या जहां पर है, जो राम को लेकर के आए थे, वो राम को लाने वालों को वहां से विदा कर रहे हैं। और अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लल्लू प्रसाद जिसने संविधान को बदलने की बात कही थी कि 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है, तो वो वहाँ से पीछे हैं। TV के राम मेरठ से 10,000 के करीब वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के चीफ 1,00,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नगीना से, उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से दानिश अली अमरोहा से आगे चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की सीट से तकरीबन 2,00,000 वोटों से आगे हैं। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र से आगे चल रही हैं। पहले ही राउंड से उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़त बनाई है। इकरा हसन केरला से आगे चल रही हैं। अब ये 5 तारीख को तय हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। आज शाम तक ये तय है बिल्कुल, जब नतीजे फाइनल आ जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कल आज शाम को उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और एक सुनाते हैं आपको, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली के अंदर जश्न के आप सुने। आ गया पंजा, लोग खुश हैं, ढोल ताशों के साथ बाजों के साथ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। और लोग खुश इसलिए भी हैं कि 10 साल का जो काला साम्राज्य जनता ने देखा है, घुटन का साम्राज्य देखा है, उससे आज आज़ादी मुक्ति मिलने जा रही है लोगों को। और जो नॉन बायोलॉजिकल है, जिन्होंने बोला कि हम आई एम नॉट बायोलॉजिकल, ये थोड़ा सा अजीब बातें रही। अब वो उनकी कुछ सद्बुद्धि उनको मिलेगी, हारने के बाद नशा उतरेगा, जनता ने नशा उतार दिया। शाम तक जो नतीजे आएंगे इंडिया गठबंधन को, उसमें बहुमत हासिल हो जाएगा ऐसा उम्मीद है। उत्तर प्रदेश ने बिल्कुल चौंका दिया है, बस जो निराशा की अभी तक जो खबरें हैं वो ये हैं कि कांग्रेस पार्टी उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार चल रही है, जैसे तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बहुत बुरी परफॉर्मेंस अभी तक जानकारी हासिल हो रही है। इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को अच्छी परफॉर्मेंस आना चाहिए थी लेकिन नहीं है। वहीं दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, जबकि कुछ जो हमारी अपने जो सर्वे थे उसके मुताबिक 3 सीटें इंडिया गठबंधन को दिल्ली के अंदर मिलना चाहिए थी। उत्तराखंड की भी कुछ इसी तरह की खबरें हैं कि वहाँ पर 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। हरियाणा में बराबर का मुकाबला चल रहा है, 10 सीटें हैं, 10 में से 5 पर कांग्रेस ने बढ़त है, 5 पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। राजस्थान ने बहुत अच्छे नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए दिए, अभी तक जो खबरें हैं उसके मुताबिक 25 सीटों में से 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की बढ़त है। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी जीत चुकी है वहाँ पर, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी अर्जुन राम मेघवाल जीत चुके हैं, नतीजे घोषित हो गए। कांग्रेस पार्टी 2 वो सीटें जीती है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त बताई जाती थी, बहुत टाइट फाइट बताई जाती थी, लेकिन उन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। तो अभी तक ये 2 बजे की जो जानकारियाँ थी वो हमने आपको दिए।
और जो भी खबरें होंगी वो आपके साथ हम लोग बने रहेंगे। शुक्रिया आप सभी का।